दिशा मकानी उर्फ दया बेन ने एक लंबे समय तक असित मोदी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने ऑडियंस का मनोरंजन किया है। एक समय से फैंस उन्हें इस शो में देखने की आस लगाए बैठे हैं। अब हालिया रिपोर्ट्स की मांग तो दिशा मकानी टीवी पर वापसी तो करेंगी, लेकिन इस शो से नहीं बल्कि किसी दूसरे शो के साथ। जी हाँ, देखा जाए तो दया बेन की वापसी की राह तो जनता और फैंस तारक मेहता में खूब देख रहे हैं, लेकिन अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो सबकी चहेती दया बेन सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 में नजर आ सकती है। दरअसल हाल ही में एक फैन क्लब ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए बताया है कि बिग बॉस 17 के मेकर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बेन को इस शो के लिए अप्रोच कर रहे हैं। हालांकि दिशा वकानी की तरफ से सलमान खान के रियलिटी शो को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर फैंस दया बेन के बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट करने की खबरों को लेकर काफी एक्साइटेड भी हो रहे हैं। हालांकि कुछ तो सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि वो इस शो में नहीं आएंगी, क्योंकि दिशा वकानी कुछ वक्त पहले ही दूसरे बच्चे की मां बनी है। ऐसे में अपने बच्चों को छोड़कर एक ऐसी टीवी शो में जाना जहां कई हफ्तों तक कंटेस्टेंट्स को घर में बंद रहना पड़ता है, दिशा के लिए मुश्किल ही लग रहा है। वही कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि अगर दिशा को कमबैक करना ही होता तो वो अपने पॉपुलर और हिट किरदार दया बेन के रूप में तारक मेहता शो से ही वापसी करते। पर बात की जाए बिग बॉस 17 की तो शो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्ट में ऑन एयर होगा, ऐसी खबरें सामने आई हैं। वहीं शो में इस बार कई जाने माने स्टार्स नजर आने वाले हैं। खबरें सामने आई है कि इस बार बिग बॉस की थीम कपल वर्सेस सिंगल की रखी गई है। जहां शो में 4 कपल नजर आएंगे तो वहीं 6 सिंगल्स नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शो के मिड तक तो कपल और सिंगल्स की लड़ाई खूब देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में सभी की राहें अलग अलग हो जाएंगी और सभी अपने गेम पर फोकस करते नजर आएंगे जीत के लिए। लेकिन अब देखना तो ये है कि आखिर दिशा बिग बॉस 17 में नजर आती भी है या फिर ये खबर भी अफवाह ही निकलती है।